हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू हेल्दी टेक्स बाय अमू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रागी पनियरम, जिसे हम रागी अप्पे या अप्पम भी कहते हैं। तो देखिए, बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। रागी अप्पे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप रागी का आटा, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। इसे मैंने 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लिया था। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप सूजी या फिर सेमोलिना। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने वेजीज। तो आप वेजीज अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, अनियन, हरा धनिया और 1 छोटी हरी मिर्च। तो इन सभी को हम इस बैटर में ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। तो मैंने 1/2 कप दही को थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था, तो इसे ऐसे इस तरह से पतला करके डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देते हैं हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये चीले जैसा बैटर होना चाहिए, जैसे हम इडली या फिर ना उत्तपम जो बनाते हैं उस तरह से। तो ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करें। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसके रखनी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टेम्परिंग या तड़का। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ हींग या एसाफिटिडा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स या फिर राई। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, ये थोड़े से क्रंची हो जाए और क्रैकल करने लगे। तो दाल हमारी ब्राउन हो गई है और मस्टर्ड सीड्स भी क्रैकल अप करने लगे हैं। तो अब इसे हम अपने तड़के में, अपने बैटर में ऐड कर देंगे। तड़का हमारा रेडी है। इसे बैटर में ऐड करके बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रागी अप्पे बनाने के लिए हम यूज करेंगे ये अप्पे पैन। तो इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अप्पे पैन आपको आसानी भी किसी भी बर्तन के स्टोर पे मिल जाएगा, जहां पे आपको इडली स्टैंड या तवा एंड ऑल मिलता है। अब हम बैटर में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सोडा, खाने का सोडा है। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे हमारे जो अप्पे हैं वो काफी सॉफ्ट बनेंगे। तो हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस अप कर देते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें थोड़े से सफेद तिल डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें बैटर डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्लेम को मीडियम रख के हम इसे ढक कर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हम अपने चेक कर लेते हैं अप्पे को। देखो, ये एक साइड से अच्छे से पक गया है। अब इसे हम फ्लिप कर देंगे। तो ऊपर से अगर ड्राई हो जाता है, दैट मीन्स वो नीचे अच्छे से पक दिया है। इसलिए आप फ्लेम हमेशा मीडियम पे ही रखें, अदरवाइज ही बर्न हो सकते हैं।
फ्लिप करके हम दूसरी साइड भी पका लेंगे इसे। चेक कर लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से ये पक गए हैं और फूल गए हैं, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था तो ये अच्छे से फूल भी गए हैं और सॉफ्ट बन गए हैं। बस इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे इंस्टेंट रागी अप्पे बनके तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।